अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्योपैथिशियन। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो गोसीपम के बारे में है। गोसीपम क्या होता है? गोसीपम जो कॉटन का पौधा होता है उसकी जड़ से तैयार होने वाली एक मेडिसिन होती है। सबस जब जड़ होती है उसका पाउडर तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद उसको क्यू फॉर्म में लाते हैं, यानी मदर टिंचर उससे रेडी किया जाता है। इसकी पत्तियों से भी मेडिसिन बनती है, और जो एक डोटा होता है कपास का, उस जब वो बंद कली होती है तो उसके अंदर से भी मेडिसिन तैयार की जाती है। ये मेडिसिन जो होती है ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उन पे काम आती है। जिन लोगों को पीरियड नहीं होते उनमें बहुत ही ज़्यादा ये कारामद है। कुछ लोगों की इस तरह, कुछ फीमेल के इस तरह के सिम्टम होते हैं कि उनको अगर पीरियड्स को आज होने हैं उनकी डेट के मुताबिक तो उन्हें नहीं होते, तो डेढ़ हफ्ता आगे चले जाते हैं और उसका जो खून का कलर होता है वो काफ़ी डार्क होता है, ग्रेफाइटस की तरह, और काफ़ी ऑफेंसिव होता है, और कभी क्लॉट की सूरत में निकलता है, ब्लैक ब्लैक से टुकड़े निकलते हैं। मगर एक हफ्ता पहले से सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। पीरियड के जो सिम्टम होते हैं यानी छोटी छोटी सी गिल्टियां बनना चेस्ट में या उनके थाइज में पेन होना शुरू हो जाता है, मगर उन लोगों को पीरियड नहीं होते हैं, तो उनका इसके जरिए से इलाज किया जाता है। बहुत पहले जब मेडिसिन बनाई नहीं गई थी तो जो गोसीपम की एक डाली है तो जब कच्ची डाली से भी यूट्रस का इलाज किया जाता था या डीएनसी की जाती थी, मगर चूंकि अब तरीके जो हैं वो काफ़ी फॉरवर्ड हो चुके हैं तो अब इससे ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो इसकी ये मेडिसिन होती है, तो ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। इसके जो पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर खून की कमी पाई जाती है। लंबे कद के भी होते हैं, और ज़रूरी नहीं है लंबे कद के हैं, छोटे कद के भी लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। गोसीपम बेसिकली उन लेडीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन के लिए ये मेडिसिन जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती है जिनको प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी होती हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अगर कोई पीरियड में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। वो लड़कियाँ जिनकी बहुत अर्ली एज में शादी हो जाती है या जिनके बच्चे अर्ली एज में हो जाते हैं, उसके बाद उनका जो यूट्रस रीजन है उस पर बहुत चर्बी सी आ जाती है और उसके बाद पीरियड थोड़े रुक जाते हैं या पीरियड नहीं आ रहे होते, चाहे पीसीओडी की वजह से नहीं आ रहे, फाइब्रोसिस की वजह से नहीं आ रहे, किसी सिस्ट की वजह से नहीं आ रहे, वजह कोई भी हो, गोसीपम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। गोसीपम को अगर आपको पीरियड के दौरान में भूख नहीं लगती या आपको स्मेल आती रहती है, इस तरह के भी अगर सिम्टम आप में आ रहे होते हैं और आपको गोश्त देखते ही वोमिट फील होता है और आप कोई काम नहीं कर पाते और थके थके बहुत होते हैं, तो उसके लिए भी गोसीपम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर हम लेडीज़ की बात करते हैं तो अगर उनको विजाइनल बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही होती है और इतनी लेयर होती है और लेयर ऊपर वाली लेयर में इतनी ख़ारिश हो रही होती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा कट लग जाता है या खून निकलने लगता है या रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, उसके लिए भी गोसीपम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उन लोगों को जिनको पीरियड रुके होते हैं और जब पीरियड स्टार्ट होते हैं और बहुत तेज़ ख़ारिश होती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके चेस्ट में छोटी छोटी सी रसौलियाँ होती हैं या सिस्ट होती है और वो ब्लाइंड होती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कुछ लड़कियों को बगल के नीचे मोटी मोटी सी गिल्टियाँ फील होती हैं, तो उनके लिए भी गोसीपम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा कहे आती है तो उसके लिए भी गोसीपम बहुत अच्छी है। ये इतनी सेफ मेडिसिन है कि इसको जो प्रेगनेंसी में लेडीज़ होती हैं उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको यूट्राइन में, अगर आपको यूट्रस में इस तरह की सिस्ट बन गई है कि वो रेशेदार सी है, तो रेशेदार अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो सूजन वाली आपको सिस्ट बनती है वो एपिस मेलिफिका की हैवी डोज से ठीक हो जाती है, यानी 1 ml अगर आप लेते हैं तो ठीक हो जाती है। अगर सूजन है, अगर रेशेदार सी आपको अंदर रसौली बन गई है, तो उसके लिए गोसीपम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मगर गोसीपम या तो आप क्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपको पीरियड नहीं हो रहा है तो आप जो है उसकी बड़ी जो डोज है वो दे सकते हैं, यानी आप हाइपोटेंसी की तरफ जा सकते हैं। अगर यूट्रस में किसी किस्म की भी कोई ख़राबी आ गई है और उससे आप जब अपने बेड से उठते हैं तो या साइड लेते हैं, तो आपको अगर ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है
या अगर आपको जो ट्राइम में बार बार आप जैसे ही पाँव उठाते हैं तो पेन होता है, साइड बदलते हैं तो पेन होता है, हाथ लगाते हैं तो पेन होता है, अगर इस तरह की आपको टेंडेंसी बनी रहती है और पीरियड आपको कम होते हैं, ये शर्त लाजिम है कि आपको पीरियड अगर कम होते हैं तो उस सूरत में ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। मगर इसके साथ जो है मेडिसिन, जो मुआविन मेडिसिन है, स्मेसिफोगिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोनों को प्योर फॉर्म में भी ले सकते हैं और दोनों को हाई डोज में भी लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं उनको, बहुत सारी लड़कियों को जैसे ही पीरियड होने लगते हैं तो उन्हें चेस्ट में बहुत शदीद पेन होता है, तो शदीद पेन उनको कुछ लोगों को 10-15 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है और 10-15 दिन बाद में रहता है। तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है कि लेडीज़ जो हैं वो घर का काम नहीं कर पाती, या लड़कियाँ जो हैं वो घर का काम नहीं कर पाती, या स्कूल गोइंग जो होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कुछ इस तरह के भी केसेस होते हैं कि जो बच्चियाँ जिनको 14-15 साल में मेंसेस होते हैं और उसके बाद उनके मेंसेस दब जाते हैं और उनको 1-2 साल के लिए पीरियड नहीं होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जब पीरियड के डेज होते हैं उनको ऐसा फील होता है पीरियड होने वाले हैं जबकि उनको पीरियड नहीं होते हैं। तो उसके लिए जो गॉसिपियम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मगर छोटी बच्चियों के लिए आप क्यों इस्तेमाल कीजिएगा। और जो थोड़ी बड़ी एज की लेडीज़ हैं और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही हैं पीरियड्स के लिए, तो उनके के लिए गॉसिपियम जो है वो हम बड़ी डोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चेस्ट में पेन आपको बना रहता है, चाहे पीरियड की वजह से या पीरियड के बाद, या आपको गिल्टियाँ रहती हैं, तो उसके लिए कल्केरिया फ्लोर 6X और साथ में गॉसिपियम ले लें तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।